नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण आप सभी को कब करना है, तो चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। ये व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को हरि शयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव शयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि नारायण योग निद्रा यानी कि शयन करने चले जाते हैं, इसलिए इसे देव शयनी एकादशी कहते हैं। देव शयनी एकादशी के दिन से भगवान श्री हरि नारायण विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे 4 महीनों तक वहीं पे रहेंगे। भगवान श्री हरि के शयन काल के इन 4 महीनों को चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विनी और कार्तिक मास शामिल है। चतुर्मास के आरंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक शादी ब्याह आदि सभी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इन 4 महीनों के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस दिन से जैन धर्म के लोगों का चतुर्मास या चौमासा भी शुरू हो जाता है, यानी कि इस दिन से 4 महीनों तक संत भी यात्रा नहीं करते, बल्कि एक ही जगह पर रहकर भगवान की भक्ति साधना करते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। साल 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई को रात 8:33 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को यानी कि बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि नारायण के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री हरि की असीम कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से शुरू होगा। इसके बाद सुबह 11 तक आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर अनुराधा नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग जैसे योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:34 से 18 जुलाई को 3:13 तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग सुबह 5:34 से 18 जुलाई को सुबह 3:13 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 18 जुलाई को सुबह 3:13 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण के आपको किस समय करना चाहिए जानते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी का पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर होगी। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। अब बात आती है कि देवशयनी एकादशी पर आपको पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें।
इसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान के साथ ही माता महालक्ष्मी का अभिषेक करें। इसके लिए एक शंख में दूध और थोड़ा सा केसर डालकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें और प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालें। धूप दीप जलाकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। व्रत करें और एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, छाता और जूते का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना चाहिए। अब चलो जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन आपको स्नान के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर देवशयनी एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत के समय में ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना चाहिए। पूरे दिन फलाहार और जल पीकर ही रहना चाहिए। अन्न का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन सर्फ, साबुन, तेल का उपयोग, तामसिक वस्तुओं का सेवन, बाल, दाढ़ी और नाखून काटना वर्जित होता है। देवशयनी एकादशी पर आप घर में झाड़ू ना लगाएं। कहा जाता है कि व्रती को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके हाथों किसी जीव की पीड़ा न हो। झाड़ू लगाते समय छोटे जीवों को हानि पहुंच सकती है, इसीलिए एकादशी पर झाड़ू लगाना वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। किसी भी प्रकार से तुलसी, केला, पीपल, नीम, बरगद आदि देव वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। एकादशी के दिन श्री हरि नारायण को तुलसी के पत्ते से भोग लगाया जाता है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर जो पत्ते स्वयं टूटकर नीचे गिरे हुए होते हैं उनको आप धोकर एकादशी के लिए भोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि विधान से करें। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की कथा जरूर सुनें, जो कि हमारे चैनल पर डाली जाएगी। पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने हिंदू धर्म से जुड़े व्रत, त्यौहार, पूजा पाठों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि सभी आप सभी को सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में जरूर लिखें।